चंपारण में हो रही है रंग बिरंगी गेहूं की खेती। नरकटियागंज के किसान कमलेश चौबे कर रहे हैं रंगीन गेहूं की खेती। इस बार 2000 ईसा वर्ष पुराने गेहूं के किस्म की बम्पर उपज हुई है। नरकटियागंज के मुसहरवा गांव निवासी कमलेश चौबे ने सिंधु घाटी सभ्यता काल के सोना मोती गेहूं समेत 4 किस्म के गेहूं का उत्पादन किया है। सोना मोती गेहूं के अलावा ब्लू, बैगनी और काले रंग के गेहूं की खेती की है। सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं और इलाके के किसानों के बीच काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। औषधीय गुणों से भरपूर गेहूं किसान ने अपने खेतों में प्रयोग के तौर पर सोना मोती गेहूं के साथ साथ बैगनी गेहूं, ब्लू गेहूं और काले रंग के गेहूं की खेती की है। ये सभी प्रभेद औषधीय गुणों से भरपूर हैं। डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए रामबाण औषधि हैं। किसान कमलेश चौबे के मुताबिक इन सभी प्रभेदों के गेहूं में फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में है, जबकि ग्लाइसिमिक और ग्लूटीन नामक तत्व काफ़ी कम मात्रा में है। लिहाजा इसे दिल और मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी लाभप्रद माना जा रहा है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार और कृषि पदाधिकारियों को भी नमस्कार। आज जो ऐतिहासिक खेती जो हमारे यहाँ हो रहा है चंपारण में, जैसे सोनामती और पर्पल गेहूं है, बुल्लू है और काला गेहूं है, ये 4 वैरायटियां हैं जो हमें विजय गिरी के द्वारा प्राप्त हुआ है और ये पूर्ण रूप से जैविक। आज इसका कटनी और ये बाली आपको दिखा रहे हैं, आज कटनी हड़म्बा से कराने जा रहे हैं और ये आज हम इसको देखिए, अब देवनी होगा तो आपको फिर से दिखाया जाएगा। देखिए ये है सोनामती और ये है काला गेहूँ। ये जो है ये मेरा मजदूर, इसके हाथ में है बुल्लू गेहूँ। ये 4 वैरायटियाँ की गेहूँ है और ये पूर्ण रूप से जैविक, और आप लोगों को दिखाएंगे।